अगर छुट्टी है या खास मौका है या बाहर का खाने का मन कर रहा है ना, तब आप इस चटपटी रेसिपी को बनाएं, आप बाजार का खाना भूल जाएंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लेना है मिक्सी का जार, उसमें मैं डालने लगी हूँ ये हरा धनिया। इसको ना हमने रफली चॉप किया है, अच्छे से वॉश कर लिया है और ये एक मुट्ठी के करीब है। इसको हमने थोड़ी थोड़ी डंडियों समेत ही लिया है, पूरा फ्लेवर आता है, लेकिन बहुत मोटी वाली डंडियां नहीं, जो मुलायम होती है ना, पतली पतली, वो ही ली है। हमने एक छोटी गड्डी ली थी पुदीने की, उसके भी पत्ते पत्ते तोड़े हैं और देखा जाए तो ये भी एक मुट्ठी के करीब ही है। अच्छे से वॉश कर लिया है, इसमें डाल दिया है। देखिए, थोड़े से अदरक को मैंने रफली चॉप करके डाला है और ये मैंने ली है 3 हरी मिर्ची और ये तीखी वाली है, इसे भी हम थोड़ा रफली चॉप करके इसमें डाल देते हैं। और 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ मैं चीनी। देखिए, चीनी कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब इसको पीस कर तैयार कर लेंगे थोड़ा सा पानी डालकर। देखिए, इसको हमने पीस लिया है, वैसे तो इसमें 4 टेबलस्पून पानी लगा है, अगर पानी ज़्यादा भी डल जाता है तो कोई बात नहीं। देखिए, हमने लिया था 1 टेबलस्पून जीरा, उसको तवे पे भून लिया था। जैसे ही हम जीरा भून गया, अच्छी सी खुशबू आ गई, हमने गैस को बंद कर दिया, उसमें डाल दी 1/4 टीस्पून हींग। तवा गर्म था, बहुत अच्छी हींग भी भून गई हमारी, इसको हमने दरदरा पीस लिया है। तो हमने एक बर्तन में 2 ग्लास के करीब पानी डालना है। देखिए, पानी जिस हिसाब से हम डालेंगे ना, उसी हिसाब से हमने मसाले डालेंगे। देखिए, अब पानी में हमने डाल देना है 1/2 टीस्पून काले वाला नमक। 1/2 टीस्पून मैंने काले वाला नमक डाला है। नमक आपने स्वाद अनुसार डालना है, क्योंकि 1/2 टीस्पून मैं नॉर्मल वाला नमक डाल रही हूँ इसमें। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, और जो ये मैं लाल मिर्ची डाल रही हूँ ये कम तीखी वाली है, आप चाहे तो तीखी वाली भी डाल सकते हैं। और इसके साथ ही यह है इमली। देखिए, मैंने 50 ग्राम इमली ली थी और इसको मैंने पानी में भिगो दिया था 1/2 घंटे के लिए। ये मेरे पास बीज वाली इमली है, पहले तो अच्छे से मैं मैश कर रही हूँ हाथों से। देखिए, अब इस पानी में ना हम इसके पानी को भी छान देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि हमने लिए बीज वाली इमली, तो इसको अच्छे से इसमें डाल देते हैं। अब जो हमने मिक्सी में पीसा था वो इसमें डाल देते हैं। देखिए, मिक्सी में ना ये लगा हुआ था, मैंने थोड़ा सा पानी भी डाल दिया इसमें। देखिए, अब जो जीरा और हींग थी ना, उसको भी इसमें हमने डाल देना है, अच्छे से मिक्स करना है। बाकी चीजें हम इसमें बाद में डालेंगे, अभी इसको हम ढककर साइड में रख देते हैं। मैंने 1 कप भरकर ली थी मूंग धुली दाल, उसे 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। ये अच्छे से फूल गई है, ये बहुत जल्दी फूल जाती है। देखिए, आप चाहें तो मूंग दाल में थोड़ी सी उड़द धुली दाल भी डाल सकते हैं, 2 टेबलस्पून, लेकिन मैं इसे बनाऊंगी बिल्कुल मूंग धुली दाल से। हमने लिया मिक्सी का जार, जिसमें इस दाल को हमने डालना है। थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ इसमें अदरक, जिसको रफली चॉप कर लेंगे। देखिए, 2 हरी मिर्ची डाल रही हूँ और ये तीखी वाली है, इनको हमने पीस लेना है, लेकिन कम से कम पानी डालना है और थोड़ा दरदरा पीसना है। इसको हमने पीसा, इसके पीसने में बस 1 टेबलस्पून ही पानी लगा है, ज़्यादा नहीं लगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा पानी नहीं डालना है। और ये देखिए, बहुत बढ़िया से दरदरी सी हमारी पिट्टी तैयार हो गई है। अब एक बर्तन में इसको निकाल लेते हैं। देखिए, हमने इसको डोंगे में निकाल लिया है। जब दाल बहुत अच्छे से फूल जाती है ना, तो ये बहुत आराम से पीस जाती है और ज़्यादा पानी नहीं लगता है। अब इसमें डाल देंगे हम 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। देखिए, नमक आप स्वाद अनुसार डालें। और अब हमने क्या करना है, पहले तो इसे मिक्स कर दें। अब इसको हमने फेंटना है, आप चाहे तो चम्मच से फेंट लें, लेकिन मैं हाथों से ही फेंटूंगी। और इसको हम इस ढंग से फेंटेंगे, ये ना फूल जाती है। 4 से 5 मिनट तक हमने इसको फेंट लेना है, तो हमें ना मीठा सोडा डालने की जरूरत नहीं होगी। ये देखिए, बहुत अच्छे से फेंट लिया है, ये बहुत अच्छे से फूल गई है। अब हमने एक कढ़ाई में ऑयल गरम करने रख दिया था, ऑयल हमारा गरम हो चुका है। अब हाथों से मैं इसमें छोटी छोटी पकौड़ी डाल रही हूँ। देखिए, मैं तो हाथों से डाल रही हूँ, आप चाहे तो चम्मच से भी डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी मैं नहीं डालूंगी,
आप साइज भी छोटा बड़ा अपने हिसाब से रख सकते हैं। देखिए बहुत अच्छे फैटनेस है ना, देखिए सारी जो पकौड़ी है ना ऊपर तैर कर आ गई है। अभी इसको अलटते पलटते हुए मीडियम गैस पर हम तलेंगे। अभी हमने जितनी आराम से कढ़ाई में आ गई हमने पकौड़ी को डाल दिया है, ये हो गई है। इसे करने में 4 से 5 मिनट लगे हैं। ये देखिए बहुत अच्छा सा कलर आ गया है, बिल्कुल खुश्क उतरेंगी। और दूसरा बैच भी हमने इसी ढंग से तैयार करना है तलकर। देखिए अब पानी को हमने चेक करना है, इसमें डाल देना है 1 टीस्पून चाट मसाला। देखिए चाट मसाले में भी नमक होता है इसलिए नमक का ध्यान रखते हैं। मिक्स कर दें। ये जो हमने पहला ट्रिप तैयार किया था उसकी पकौड़ियाँ हमने इसमें डाल दिए हैं। ठंडा करके नहीं डालनी, ये हल्की हल्की गर्म है, बाकी भी तल गई हैं वो भी इसमें डाल देते हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए अब मैं इसमें डाल लगी हूँ बारीक कटा हुआ प्याज, इसका क्रंच बहुत बढ़िया आएगा। देखिए एक प्याज को तो हमने छोटा छोटा काट के डाला है, छोटी प्याज को एक को हम इस ढंग से लच्छे की तरह रख देते हैं ऊपर। अब मैं इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऊपर से इस ढंग से डाल रही हूँ जिससे कि ये देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए ये पकौड़ियाँ तो हमारी सॉफ्ट हो गई हैं, लेकिन हमने ऊपर से इसमें डाल देनी है थोड़ी सी बूंदी जो कि आराम से मार्केट में मिलती है ना रायते वाली, वो वैसे तो आप घर में भी बना सकते हैं लेकिन बाजार से ही मैं लाई हूँ। आप इसे जरूर ट्राई करें, सबको बना के खिलाएं और सबकी जमकर तारीफ पाएं। हम जल्द हाजिर होंगे एक और नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।